देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले इंटरनेशनल ड्रैगन पैलेस टेंपल परिसर में विपसना ध्यान केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री श्री राजकुमार बडोले जी, विपसना ध्यान केंद्र की अध्यक्षा सुलेखा ताई कुंभारे जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, अध्यात्म की पावन धरती महाराष्ट्र में आने का अवसर मिलना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र से जुड़ी अनेक विशेषताएं और उपलब्धियां गिनाई जा सकती हैं, लेकिन यह राज्य आस्था और ध्यान के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। आज नागपुर में, जैसा कि गडकरी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी हम सबको जानकारी दी, मुझे प्रातः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा पवित्र की गई दीक्षा भूमि की पवित्र स्थली को नमन करने का सौभाग्य मिला और यहाँ मैं विपसना ध्यान केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूँ। मेरी इस यात्रा के पीछे भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, जिनकी शिक्षा पिछले 2500 सालों से हमारे देश को प्रेरणा देती रही है। सम्राट अशोक से लेकर महाराष्ट्र के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक भगवान बुद्ध से ही प्रेरित हुए थे। हमारा भारतीय संविधान भी मूलतः बौद्ध दर्शन के आदर्शों पर आधारित है, जिसमें मानव मानव के बीच समानता, भ्रातृत्व और सामाजिक न्याय का सामंजस्य दिखता है। साथ ही हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बताया था कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भगवान बुद्ध की परंपरा का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में संसदीय प्रणाली की जानकारी बहुत पहले से मौजूद थी। यह प्रणाली बौद्ध भिक्षु संघों द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी। भिक्षु संघों ने इनका प्रयोग उस समय की राजनीतिक सभाओं में से सीखा था। बौद्ध संघों में प्रस्ताव, संकल्प, कोरम, सचेतक, मतगणना, निंदा प्रस्ताव आदि के नियम थे। हमारे आधुनिक संविधान की रचना करके बाबा साहब ने इसी प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा की फिर से प्रतिष्ठा की। बौद्ध दर्शन के मूल में एक क्रांतिकारी चेतना है, जिसने पूरी मानवता को अभिभूत कर दिया है। यह भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन, भूटान, जापान, म्यांमार और इस तरह एशिया से होते हुए पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका है। बौद्ध दर्शन में समाज को सुधारने का जो आदर्श है, वह बाद की सदियों में अनेक समाज सुधार आंदोलनों को दिशा दिखाता रहा है। ऐसे कई आंदोलन महाराष्ट्र में ही हुए हैं। महाराष्ट्र में हुए समाज सुधार के आंदोलनों ने 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए। भारत में प्राचीन काल से ही अपनाई गई विपसना जैसी ध्यान की पद्धति केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ध्यान पद्धति ही विपसना है। विपसना का सीधा सा अर्थ है ठीक से देखना।
अपनी सांस पर, अपने विचारों पर, अपने शरीर के हर हिस्से पर और अपनी भीतरी प्रवृत्तियों पर इतनी सजग निगाह रखना कि कुछ भी अनदेखा ना रहे। ऐसा करने से हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। विपसना हमारे मन और शरीर को शुद्ध करने तथा आधुनिक जीवन के तनावों का सामना करने का प्रभावी तरीका भी है। यदि ठीक से अभ्यास किया जाए तो विपसना से वही लाभ मिल सकता है जो रोग निरोगी दवाओं से मिलता है। इस तरह यह ध्यान की पद्धति होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे भी 26 वर्ष पहले एक निर्धारित कोर्स के माध्यम से इस पद्धति से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए इस भवन का उद्घाटन करते हुए मुझे आज अपार प्रसन्नता हो रही है। योग की तरह विपसना को भी किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में विपसना के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। लगभग 40 वर्षों से स्वर्गीय सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा स्थापित धम्मगिरी नाम का विपसना केंद्र इगतपुरी में इस पद्धति से लोगों को जोड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। हम सब लोग जानते हैं कि मुंबई में बने विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल विपसना पगोडा में भी यह कार्य बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार विपसना सहित बौद्ध दर्शन के महान आदर्शों से लोगों को जोड़ने के पवित्र उद्देश्य के साथ सुलेखा ताई कुंभारे जी के नेतृत्व में उनकी टीम यहाँ काम कर रही है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इस ध्यान केंद्र का निर्माण कराया है। मैं उनके इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि असुरक्षा और उथल पुथल से भरे आज के माहौल में शांति दूत गौतम बुद्ध का अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश बहुत अधिक प्रासंगिक है। इंसानियत को जोड़ने वाली अपनी कोशिश को आप सब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। इस केंद्र को अपने सभी उद्देश्यों में सफलता मिले, यह मेरी शुभकामना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि विपसना के संदेश को और भगवान बुद्ध की शिक्षा को आप सब दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।